किसी लेवल पे किसी तरीके की एक हैप्पीनेस जॉय 2023 में आपके लिए रहेगी। कंपैशन सेल्फ एश्योरेंस की बात कर रहे हैं और उस पे आप वर्क कर रहे हैं और वो कहीं 2023 में आता हुआ भी दिख रहा है। उसी से रिलेटेड अगेन सक्सेस हैप्पीनेस जॉय सैटिस्फेक्शन क्लैरिटी कॉन्फिडेंस सब कुछ रह रहा है। चलिए एरीज आप लोगों के लिए देखें कि 2023 में आपके डिफरेंट लाइफ के एरियाज में क्या हो रहा है। इस रीडिंग में आप देखेंगे कि 2023 आपके सन साइन के लिए आपके डिफरेंट लाइफ के एरियाज के लिए कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है, कौन से सिग्निफिकेंट मंथ्स आपके लिए 2023 में रहेंगे, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस रहेगी जिसको फॉलो करके आप अपने लिए 2023 को और बेहतर कर सकते हैं। ये रीडिंग बहुत बहुत एक्साइटिंग रहने वाली है क्योंकि इस रीडिंग में मैंने दो मेजर चेंजेस किए हैं। सबसे पहला, बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं कि मैम प्लीज आप हमारे सामने कार्ड्स निकाला करें। एक्चुअली मैं तुरंत मेडिटेशन के बाद कार्ड्स निकालती हूँ, उस टाइम पे फ्रेम ऑफ माइंड नहीं होता है कि मैं रिकॉर्ड करूं, लेकिन इस रीडिंग में जब मैं आपके 2023 के कार्ड्स निकाल रही हूँ उसको मैंने रिकॉर्ड किया है, आपके साथ शेयर किया है, तो आप अपने कार्ड्स को निकलता हुआ देखेंगे। एंड सेकेंडली इसमें मैंने हॉरोस्कोप स्प्रेड किया है। हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं जो आपके लाइफ के डिफरेंट एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत डिटेल में आप जानेंगे कि आपकी लाइफ के डिफरेंट एरियाज में 2023 में क्या हो रहा है। एंड बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली विश कि 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी सक्सेस लेकर आए। जो भी आपने अपने लिए गोल्स बनाए हैं 2023 के लिए, उनको आप ज़रूर ज़रूर अचीव करें। और एक वीडियो भी मैंने स्पेसिफिकली 2023 की जनरल एनर्जीज के लिए बनाया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं और उसमें टिप्स भी हैं कि कैसे आप अपने लिए 2023 को और बेहतर करें। एंड एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें। जिस भी लाइफ के एरिया के लिए आपको लगे कि भाई बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है, उसको देख के बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना है। इनफैक्ट कैसे आप उस लाइफ के एरिया को और बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है और इस रीडिंग को आपने एज गाइडेंस लेना है। क्योंकि देखिए, इसी इंटेंशन के साथ मैंने ये रीडिंग आपके लिए बनाई है कि ये रीडिंग आपको हेल्प करे जो आप खुद के लिए 2023 में चाहते हैं उसको क्रिएट करने के लिए, 2023 को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, उस इंटेंशन के साथ मैंने रीडिंग बनाई है। और प्लीज़ आप भी इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए एरीज आप लोगों के लिए देखें कि 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर हॉरोस्कोप स्प्रेड कर रही हूँ। हॉरोस्कोप में 12 हाउसेज होते हैं और 12 हाउसेज डिफरेंट लाइफ के एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट लाइफ के एरियाज के बारे में बताते हैं। और हम यहाँ पर यही देखेंगे कि 2023 में डिफरेंट आपके लाइफ के एरियाज में क्या हो रहा है, अगेन क्या 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स को बहुत अच्छे से शफल करूंगी आपके लिए। एरीज 2023 ईयरली रीडिंग, एरीज 2023 ईयरली रीडिंग, एरीज 2023 ईयरली रीडिंग। एंड साथ के साथ क्या हर हाउस रिप्रेजेंट करता है वो भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। तो चलिए जी एरीज आपके लिए देखते हैं। फर्स्ट हाउस जो कि सेल्फ का होता है उसके लिए आपके लिए कार्ड है 9 of Pentacles। सेकेंड हाउस जो कि वेल्थ का होता है, एसेट्स का होता है, पोजिशंस का होता है, उसके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड थर्ड हाउस सिबलिंग्स का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आप यू नो अगेन कम्युनिकेट करते हैं उसका होता है, उसके लिए 9 of Cups है। फोर्थ हाउस रेजिडेंस का होता है, मदर का होता है, सुख स्थान भी हम कहते हैं, व्हीकल्स और प्रॉपर्टीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए आपके लिए रिवर्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे मैं सिर्फ अपराइट कार्ड्स कर रही हूँ। एंड
फिफ्थ हाउस जो कि लव हाउस होता है, प्लेजर हाउस भी कहते हैं, एजुकेशन का भी घर होता है, उसके लिए आपके लिए यहाँ पर द टेम्परेंस का कार्ड है। एंड सिक्स्थ हाउस जो हेल्थ का होता है, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी हम सिक्स्थ हाउस को देखते हैं, यानी कि यू नो जॉब से रिलेटेड जो प्रोफेशन होता है, सर्विस टू अदर्स भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं, उसके लिए यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एंड सेवेंथ हाउस मैरिज का होता है, स्पाउस का होता है, पार्टनरशिप्स का होता है, उसके लिए आपके लिए यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एंड एट्थ हाउस एंडिंग्स और बिगनिंग्स का होता है, उसके लिए आपके लिए टू ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड नाइन्थ हाउस लक हाउस होता है, धर्म स्थान होता है, लॉन्ग ट्रैवल्स होती हैं एंड हायर एजुकेशन भी हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं, उसके लिए आपके लिए फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड टेंथ हाउस प्रोफेशन का होता है, इसको हम कर्म स्थान भी बोलते हैं, इसके लिए आपके लिए डेथ का कार्ड है। एंड प्लीज़ डेथ के कार्ड को देखकर आप लोग बिल्कुल भी डरे ना, इट ओनली मीन्स एंडिंग एंड बिगनिंग, और मैं बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में बताऊंगी। एंड मैंने और भी कार्ड्स निकालने हैं तो और ज़्यादा हम डिटेल में देखेंगे कि प्रोफेशन से रिलेटेड 2023 में क्या हो रहा है। अब 11th हाउस देखेंगे, 11th हाउस गेन हाउस होता है, आपका सोशल सर्कल होता है और फ्रेंड सर्कल होता है, वो भी कहीं यू नो 11th हाउस से आता है, तो 11th हाउस के लिए आपके लिए द सन का कार्ड है। एंड 12th हाउस आपके फियर्स, सबकॉन्शियस फियर्स का होता है, एक्सपेंडिचर का होता है, फॉरेन कंट्री का होता है, तो इसके लिए आपके लिए द लवर्स का कार्ड है। अब हम ओशो जेन से 12 हाउसेस को देखेंगे एंड मैंने हाउसेस के आपको ब्रॉडर लेवल पे मीनिंग्स बता दिए हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी मैं हाउसेस के बारे में आपको नहीं बताऊंगी। आई विल जस्ट टेक आउट द कार्ड्स फॉर 12 हाउसेस फ्रॉम ओशो जेन। तो एरीज मेष राशि ईयर 2023 क्या लेकर आ रहा है फॉर डिफरेंट लाइफ एरियाज। एरीज मेष राशि ईयर 2023 हॉरोस्कोप रीडिंग। एरीज मेष राशि ईयर 2023 हॉरोस्कोप रीडिंग। एरीज मेष राशि ईयर 2023 हॉरोस्कोप रीडिंग। एरीज मेष राशि 23 हॉरोस्कोप रीडिंग। एरीज मेष राशि ईयर 2023 हॉरोस्कोप रीडिंग। तो चलिए जी एरीज देखते हैं ईयर 2023 में आपकी लाइफ के डिफरेंट एरियाज में क्या हो रहा है। फर्स्ट हाउस आपके लिए है द आउटसाइडर, सेकंड हाउस आपके लिए है रीबर्थ, थर्ड हाउस आपके लिए है सक्सेस, फोर्थ हाउस आपके लिए है इनर वॉइस, फिफ्थ हाउस आपके लिए है हार्मनी एंड सिक्स्थ हाउस आपके लिए है इंटेंसिटी, सेवेंथ हाउस आपके लिए है ऑर्डिनरीनेस, एट्थ हाउस आपके लिए है पॉसिबिलिटीज एंड नाइन्थ हाउस आपके लिए है मॉरालिटी, टेंथ हाउस आपके लिए है सेलिब्रेशन एंड 11th हाउस आपके लिए है सप्रेशन एंड 12th हाउस आपके लिए है द सोर्स। एंड अब हम देखेंगे एरीज की आपके लिए 2023 के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, कैसे यू नो आप छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के 2023 को और बेहतर कर सकते हैं, वो हम ताओ ओरेकल से देखेंगे, जो रेड कलर का आप देख रहे हैं डेक इससे देखेंगे। एरीज मेष राशि गाइडेंस फॉर ईयर 2023। एरीज मेष राशि गाइडेंस फॉर ईयर 2023। एरीज मेष राशि गाइडेंस फॉर ईयर 2023। एरीज मेष राशि गाइडेंस फॉर ईयर 2023।
एरीज मेष राशि गाइडेंस फॉर ईयर 2023। एरीज मेष राशि गाइडेंस फॉर ईयर 2023। एरीज मेष राशि गाइडेंस फॉर ईयर 2023। एरीज मेष राशि गाइडेंस फॉर ईयर 2023। तो एरीज, यहाँ पर मैं आपके लिए तीन कार्ड्स निकालूंगी और इसमें हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो द फर्स्ट कार्ड इज ऑब्स्टिकल्स। Second card is resoluteness, and the third card is inner truth. अब हम देखेंगे एरीज, आपके क्या फोकस एरियाज रहेंगे। ओके, एरीज मेष राशि फोकस एरियाज ऑफ ईयर 2023। एरीज मेष राशि फोकस एरियाज ऑफ 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 2023। यहाँ पे वैक्सिंग क्रिसेंट मून है, विच इज अ ब्यूटिफुल कार्ड। इट टॉक्स अबाउट इंक्रीज। एंड सेकेंड कार्ड है एट्थ हाउस स्कॉर्पियो, डेथ। डेथ, जैसे मैंने आपको बताया, एंडिंग और बिगनिंग की बात करती है। एंड थर्ड कार्ड इज रूट पावर पाइसिस। ठीक है, ये अभी हम देखेंगे और मैं आपको अच्छे से पढ़ के भी बताऊंगी व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग। अब हम देखेंगे कि क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स 2023 लेकर आ रहा है। Blessings for Aries, Mesh Rashi, year 2023. 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 यहाँ पे भी एरीज में तीन कार्ड्स आपके लिए निकालने वाली हूँ। एंड फर्स्ट कार्ड आपके लिए है फिशिंग पोल। आई होप कि आप इसको पढ़ पा रहे हैं। सेकेंड कार्ड आपके लिए है याच। एंड थर्ड कार्ड आपके लिए है मदर लोड। आई होप यू कैन रीड दिस कार्ड। ओके, एंड नेक्स्ट हम एरीज आपके लिए देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंट मंथ्स रहेंगे आपके लिए ईयर 2023। वेट टू कीप द कार्ड। एरीज मेष राशि सिग्निफिकेंट मंथ्स ईयर 2023। इसमें सिर्फ 12 ही कार्ड्स हैं तो प्रॉपरली नहीं शफल होगा। एरीज मेष राशि सिग्निफिकेंट मंथ्स ऑफ ईयर 2023। 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 एरीज मेष राशि सिग्निफिकेंट for year 2023. Aries Mesh Rashi significant months 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 for year 2023. So the first month is August. Yeah, October. And the third month is
जनवरी। तो ये है एरीज आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट मंथ्स, और मैं अब आपको आपकी रीडिंग में मिलूंगी एंड इन डिटेल मैं आपको बताऊंगी कि ईयर 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए एरीज आप लोगों के लिए देखें कि 2023 में आपके डिफरेंट लाइफ के एरियाज में क्या हो रहा है। एंड बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग दो करेक्शंस करना चाहूंगी। मैंने फोर्थ हाउस में किंग ऑफ पेंटिकल्स की जगह पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स बोला, सो आपके फोर्थ हाउस के लिए अगेन रिपीट करूंगी किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड सेवेंथ हाउस के लिए मेरे मुंह से एट ऑफ सोर्ड्स की जगह पर सेवन ऑफ सोर्ड्स निकला, तो अगेन सेवेंथ हाउस के लिए आप लोगों के लिए एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो चलिए जी शुरू करते हैं, हम फर्स्ट हाउस से शुरू करेंगे और फर्स्ट हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द आउटसाइडर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं प्रॉस्पैरिटी की बात करता है, मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, एक यू नो जॉय की बात करता है, मैं कहूँगी उनको इन्जॉय भी करने की बात करता है। तो यही कहीं आपका एक फोकस भी 2023 में रह रहा है या फिर ये हो रहा है, यानी कि एक फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड स्टेबिलिटी रहती हुई दिख रही है, और पीछे अगर आप इन्हीं चीज़ों को नहीं इन्जॉय कर रहे थे तो आप इन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। आप बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से अगेन मैं कहूँगी चीज़ों को इन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं, और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आपकी कोई हॉबी है जिसको आप परस्यू करना चाह रहे हैं। और देखिए एक ग्राउंडिंग रहती हुई दिख रही है, बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि एक सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन से आप चीजों को डील करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली पीछे यू नो अगर आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे या फिर अपने ऊपर आपने इतना फोकस नहीं किया, आपने अपने से ज्यादा लोगों के ऊपर फोकस किया या और भी जो लाइफ के एरियाज हैं उन पर आपने फोकस किया, सेल्फ को कहीं ना कहीं आपने इग्नोर किया या यू नो सेल्फ पे आप इतना अटेंशन नहीं दे पाए, तो 2023 में आपका सेल्फ एनहांस होता हुआ दिख रहा है, आप सेल्फ पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूंगी ब्रॉडर लेवल पे एक पैसे, मनी, टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड सेफ्टी, सिक्योरिटी, एंजॉयमेंट भी रहती हुई दिख रही है, पैसा आता भी हुआ दिख रहा है, या फिर कैसे यू नो यही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लेकर आए उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को इन्जॉय भी करते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए द आउटसाइडर का कार्ड कहता है कि साथ के साथ कुछ दरवाजे भी आप अपनी लाइफ में बंद करते हुए दिख रहे हैं। ये दरवाजे सबके लिए डिफर करेंगे, जैसे जैसे हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि कौन से दरवाजे आप बंद कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए द आउटसाइडर का कार्ड कहता है कि कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप पीछे एंड हुआ लेकिन इमोशनली, मेंटली आप अभी भी कनेक्टेड थे, और 2023 में जाने से पहले आप कम्प्लीटली यू नो अपनी इमोशंस या इमोशनल लेवल या मेंटल लेवल पे उस कनेक्शन को, उस दरवाजे को बंद कर रहे हैं। कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए कोई घर हो सकता है, कुछ के लिए कोई इंसान, कुछ के लिए सिंपली नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं या फिर यू नो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं जिनका दरवाजा आप बंद करना चाह रहे हैं या फिर बंद कर रहे हैं 2023 में जाने से पहले। और अब देखेंगे हम एरीज की सेकेंड हाउस में क्या कार्ड्स हैं और सेकेंड हाउस से रिलेटेड चीजें कैसे 2023 में रहेंगी। तो सेकेंड हाउस के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड रीबर्थ के कार्ड्स हैं। अगेन देखिए पेंटिकल्स का कार्ड है, मनी का कार्ड है, और ये कार्ड अगर सेकेंड हाउस में आता है यानी कि वेल्थ के घर में आता है तो बहुत ही क्लियरली मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीजों से रिलेटेड चीजों के बहुत बढ़िया होने की बात करता है। कहीं यू नो अगेन मैं कहूंगी कि इस एरिया से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं, और क्योंकि ये कार्ड एसेट्स का भी होता है और नाइट्स कहीं व्हीकल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो भी लोग गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं 2023 में वो ज़रूर गाड़ी खरीदेंगे, और गाड़ी का रंग कुछ भी हो सकता है लेकिन इस कार्ड के हिसाब से डार्क या जो भी अर्थ के कलर्स होते हैं वो ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं।
एंड देखिए अगेन मैं कहूँगी गाड़ी कैसी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लग्जरी कार जो कि कंफर्टेबल है, जो कि सेफ है, जिसमें सिक्योरिटी के ऑप्शंस या फिर चीज़ें ज़्यादा हैं, वैसी गाड़ी आप ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वैसी गाड़ी ज़्यादा खरीद रहे हैं। देखिए ये जनरल रीडिंग है, बहुत यू नो हम स्पेसिफिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन कार्ड्स के हिसाब से ये दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिफर भी हो, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी गाड़ी जो भी खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए 2023 कंड्यूसिव रहता हुआ दिख रहा है, सपोर्टिव रहता हुआ दिख रहा है, एंड अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आती हुई दिख रही हैं, एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड भी यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड कहता है। कोई आपका इनकम का जरिया, कोई आपका कमाई का जरिया बंद होके एक नया कमाई का जरिया शुरू हो रहा है, या कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पुराना है लेकिन नया कोई कमाई का जरिया, इनकम का जरिया आपका 2023 में शुरू हो रहा है। अगेन इससे रिलेटेड कुछ एंडिंग बिगनिंग्स 2023 में रह रही हैं, और जैसे कि आई थिंक मैंने अभी बताया कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन कहीं एरीज आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत मनी पैसा फाइनेंसेस मटेरियलिस्टिक टैंजेबल चीज़ों से रिलेटेड सेफ सिक्योर होना चाह रहे हैं, जब तक कि आपको 100% श्योरिटी नहीं होती है, 100% आप अगेन मैं कहूँगी सिक्योर या श्योर नहीं फील कर रहे हैं, तब तक आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं अवेल कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएं एरीज, तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया है टैरो एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस के लिए होते हैं, और यहाँ पर देखिए कार्ड्स की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, और सोच में भी कहीं यू नो सेफ सिक्योर होके श्योर होके आप ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है एरीज। लेकिन एट टाइम्स जब हम टू मच इस चीज़ को करते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं, और फिर हम परेशान होते हैं, रिग्रेट करते हैं। तो देखिए टू मच आप सेफ सिक्योर होके ना चलें, क्योंकि अगर हम इतना ज़्यादा इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो फिर अगेन मैं कहूंगी हम अपॉर्चुनिटीज को नहीं अवेल कर पाते हैं। तो ये आपके यू नो वेल्थ फाइनेंसेस से रिलेटेड कार्ड्स थे। एंड थर्ड हाउस के लिए एरीज आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 of Cups एंड सक्सेस, अगेन वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। और देखिए आई डोंट नो आप लोग कितना कार्ड्स को देख पा रहे हैं, लेकिन जो भी लोग अपने कार्ड्स को देखना चाहते हैं प्रीवियस क्लिपिंग में जहाँ पे मैं आपके लिए आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड्स कहीं विश कम ट्रू होने की बात करते हैं, तो सिबलिंग से रिलेटेड जो भी आपकी विश है, डिज़ायर है, या फिर अगर पीछे कुछ इश्यूज हो रहे थे, मसले हो रहे थे जिन भी एरीज की लाइफ में, उनके लिए 2023 काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। आपका रिकंसिलेशन होता हुआ दिख रहा है, सिबलिंग्स से रिलेटेड एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है, उनके साथ ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग भी रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि छोटा मोटा ट्रैवल भी आप उनके साथ करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, और काफ़ी एक एप्रिसिएशन, काफ़ी एक रिकग्निशन भी आपको आपके सिबलिंग से मिलते हुए दिख रही है। आप अपने सिबलिंग्स के लिए लाइमलाइट में रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर देखिए ऐसी एनर्जीज आपकी एरीज आपके सिबलिंग्स के लिए हैं जहाँ पे यू नो आप उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं जो भी वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, और कहीं उनके एफर्ट्स को आप बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज कर रहे हैं, या फिर आपके किसी सिबलिंग की लाइफ में किसी तरीके की सक्सेस रह रही है, किसी तरीके की एक ग्रोथ रह रही है, या उनको किसी भी लाइफ के एरिया में एक अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल रही है, वो लाइमलाइट में रह रहे हैं। तो देखिए आपके सिबलिंग्स से रिलेटेड 2023 काफ़ी अच्छा रह रहा है, और आपके सिबलिंग्स के साथ जो भी रिलेशनशिप है उसके हिसाब से भी 2023 आपके लिए बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत प्यार से, बहुत यू नो अच्छे से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, स्पेशली जो एरीज थोड़ा सा यू नो रफ हैं कम्युनिकेशन में, यानी कि अपफ्रंट होके, ब्लंट होके चीज़ों को कह देते हैं, हो सकता है कि वो 2023 में लिटरली यू नो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, उसको बेटर करना चाह रहे हैं, और जिस भी लेवल पे आप हैं उससे कहीं कम्युनिकेशन बेटर होता हुआ दिख रहा है। आप फीलिंग्स, इमोशंस, लव ज़्यादा एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, या फिर बहुत मीठा, बहुत प्यार से बोलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक यू नो
टिंज ऑफ एरोगेंस भी रहता हुआ दिख रहा है, टिंज ऑफ यू नो मैं कहूंगी कि ईगो भी रहता हुआ दिख रहा है, इसके बावजूद कि एक लव केयर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। सोचने का तरीका भी एक यू नो मुझे हैप्पीनेस रहती हुई दिख रही है, उसमें भी आप ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, कैसे यू नो आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें उन पे ज़्यादा सोच रहे हैं। और अगेन देखिए रिलेशनशिप्स के बारे में ओवरऑल ही आप ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं और उसी से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके से आपको सक्सेस भी मिलती हुई दिख रही है। फोर्थ हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड इनर वॉइस। अगेन देखिए पेंटिकल्स का कार्ड है और ये घर जैसे कि मैंने आपको बताया लैंड प्रॉपर्टी का भी होता है, तो जो भी एरीज 2023 में कोई लैंड कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं वो ज़रूर 2023 में प्रॉपर्टी खरीदेंगे, या मैं कह सकती हूँ कि 2023 इन्हीं सब चीज़ों के लिए काफ़ी सपोर्टिव काफ़ी कंड्यूसिव रहेगा, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके पास पैसा भी हो सकता है या होगा यू नो प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। क्योंकि देखिए हमने वेल्थ का हाउस जो कि सेकेंड हाउस होता है उसके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखा, वो भी मनी का कार्ड है, तो मनी पैसे से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी अच्छी रह रही हैं। तो अगेन मैं कहूँगी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप खरीदे ना खरीदे एरीज वो आपकी एक चॉइस होगी, बट फिर से मैं कहूंगी कि प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, चीजें कंड्यूसिव सपोर्टिव रहेंगी। एंड बहुत देखिए फिर से मैं कहूंगी मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीजों से रिलेटेड एक हैप्पीनेस जॉय सैटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है और इन्हीं सब चीज़ों को आप इन्जॉय भी करते हुए दिख रहे हैं। पीछे अगर आप यू नो जो भी मनी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको नहीं इन्जॉय कर पा रहे थे तो 2023 में अगेन मैं कहूँगी आप इन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये घर मदर का भी होता है तो या तो मदर से आपको प्रॉपर्टी या किसी मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड गेन फ़ायदा हो रहा है या फिर आप अपनी मदर के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं या उनके लिए आप अगेन मैं कहूँगी कुछ खरीद रहे हैं बड़ी चीज़ खरीद रहे हैं। और फिर से देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि मदर की तरफ से प्रॉपर्टी मटेरियलिस्टिक फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पर गेन हो रहा है। ओवरऑल इनर वॉइस का कार्ड कहता है कि चौथे घर से जो भी चीजें आती हैं उनसे रिलेटेड एक स्टेबिलिटी रह रही है, एक सिक्योरिटी रह रही है, मदर के साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, मनी पैसे के साथ आपका रिलेशनशिप बेटर हो रहा है और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कहीं फिर से मैं कहूँगी एक सुख मिलता हुआ दिख रहा है, एक कहीं सेटिस्फेक्शन जॉय रहती हुई दिख रही है। और देखिए ये कार्ड व्हीकल का भी होता है, हालांकि ये कार्ड्स व्हीकल को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन सेकेंड हाउस में हमने देखा तो व्हीकल जो भी खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। और अब देखते हैं एरीज की फिफ्थ हाउस आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो फिफ्थ हाउस देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया प्लेजर का होता है, फिफ्थ हाउस लव रोमांस का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, बच्चों का होता है और एजुकेशन का भी होता है। तो इसके लिए देखिए टेम्परेंस एंड हार्मनी के कार्ड्स कहीं एक हैप्पीनेस जॉय की अगेन बात करते हैं। हार्मनी का कार्ड लव रिलेशनशिप्स की बात करता है और इसी से रिलेटेड एक सेटिस्फेक्शन जॉय की भी बात करता है, एक सुकून की बात करता है, एक पीस की बात करता है। तो जो भी लोग यू नो लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं उनके लिए भी 2023 अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, जो लोग प्लेजर से रिलेटेड देख रहे हैं उनके लिए भी यू नो आप प्लेजर्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कहीं चीजों को अगेन एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज का आप बहुत ख्याल रख रहे हैं कि आप कोई भी चीज बियॉन्ड द पॉइंट ना करें, यानी कि ओवर ना करें, आप एक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं। अगेन देखिए प्लेजर में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं लेकिन ओवर नहीं कर रहे हैं, या रिलेशनशिप्स भी अगर हैं तो आप ओवर यू नो रिलेशनशिप्स में नहीं फोकस करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि इस एरिया में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बैलेंस मेंटेन करें। और यहाँ पे देखिए आपके फर्स्ट हाउस को देखें अगर हम एरीज, तो सेल्फ पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन कार्ड्स को देखें तो रिलेशनशिप में आप
यही बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, आप दूसरे इंसान को हो सकता है लव एक्सप्रेस करें, हो सकता है अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करें, लेकिन साथ के साथ आप खुद का भी ख्याल रख रहे हैं, जो कि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप्स के लॉन्ग टर्म तक रहने के लिए। और देखिए, ऐसा आप कर रहे हैं एरीज, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। और कहीं देखिए, एक सुकून प्लेजर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड फिर से मैं कहूँगी आता हुआ दिख रहा है। और जो भी लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कहीं हो सकता है कमिटमेंट, सॉरी शादी वादी की बात रहे या चले, और शादी के बारे में आप सोच रहे हैं, एक कम्प्लीशन यू नो रिलेशनशिप से रिलेटेड रहता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव कम्प्लीशन। और जो लोग नहीं हैं उनकी लाइफ में हो सकता है कोई इंसान आए जिसके साथ बहुत अच्छा आप फील कर रहे हैं, एक हैप्पीनेस जॉय रहती हुई दिख रही है। लेकिन जो भी देखिए फिफ्थ हाउस से रिलेटेड है उससे रिलेटेड साथ के साथ मैं कहूँगी एक बैलेंस आप मेंटेन करना चाह रहे हैं। एजुकेशन से रिलेटेड भी चीजें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं, आप फोकस कर पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, अगेन चीजों को बैलेंस कर पा रहे हैं। जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, स्पेशली अगर यू नो कंसीव करने से रिलेटेड कुछ इश्यूज रह रहे हैं। लेकिन देखिए, इससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई एक परेशानी नहीं रहती हुई दिख रही है। इससे रिलेटेड भी किसी लेवल पे किसी तरीके की एक हैप्पीनेस जॉय 2023 में आपके लिए रहेगी। अगर आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं तो उनसे भी आपको किसी लेवल पे रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। सिक्स्थ हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एरीज, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड इंटेंसिटी। और देखिए, यहाँ पे जो कार्ड है वो इतना अच्छा नहीं है, तो इस एरिया से रिलेटेड इश्यूज मसले रह रहे हैं, या फिर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि इस एरिया का खास ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि सिक्स्थ हाउस से जॉब से रिलेटेड जो भी प्रोफेशंस होते हैं या प्रोफेशनल फ्रंट में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए हम सिक्स्थ हाउस देखते हैं। तो हो सकता है कि या तो यू नो जो भी जॉब में आप हैं आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आप बेटर डिजर्व करते हैं, और कहीं आपके साथ चीजें फेयर नहीं हो रही हैं। ये सबके लिए डिफर करेगा, कुछ के लिए मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है कि वो सैटिस्फेक्शन, वो जॉय आप अपनी जॉब में नहीं महसूस कर रहे हैं, या फिर अगेन आपको ऐसा लग रहा है आप बेटर डिजर्व करते हैं और कहीं आप चेंज करना चाह रहे हैं। एंड हेल्थ के लिए भी सिक्स हाउस होता है, तो हेल्थ पे भी एरीज आप फोकस नहीं करते हुए दिख रहे हैं, और ये कार्ड कहता है कि हेल्थ पे फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी यू नो आप हेल्थ से रिलेटेड कर रहे हैं उसको ज़रूर आप एक बारी पॉज करके चेक करें, और इसका आप ज़रूर ख्याल रखें। इसमें भी कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सर्विस आप जो भी लोगों को कर रहे हैं उससे रिलेटेड सेटिस्फेक्शन नहीं रह रही है, या फिर आप इतना ज़्यादा लोगों को सर्व करने पे नहीं फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर से मैं फर्स्ट हाउस को रेफर करूंगी। फर्स्ट हाउस का कार्ड कहता है कि सेल्फ प्रायोरिटी रह रहा है, जो कि मैं कहूंगी एरीज बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन हर चीज में बैलेंस आप मेंटेन करके रखें, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सेल्फ पे फोकस करें। लेकिन जब टू मच हो जाता है तो एक टिंज ऑफ सेल्फिशनेस आ जाती है, तो वो आप ना आने दें। अगेन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फ पे फोकस ना करें। मैं तो ट्रूली ट्रूली बिलीव करती हूँ कि हमारा सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें उस पर बहुत फोकस करना चाहिए, लेकिन मॉडरेशन, बैलेंस हर चीज़ में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, अगेन मैं कहूँगी सिक्स्थ हाउस से सर्विस टू अदर्स आता है, जॉब आती है और हेल्थ आती है, इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगेन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप उतना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, या जिस तरीके से आप ख्याल रख रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है, उसको आपने चेंज करना है और इसका आपने ख्याल रखना है। और जॉब चेंज के लिए बहुत सारे एरीज मुझे यू नो सोचते हुए या फिर उससे रिलेटेड एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। रीज़न मैंने आपको बताया, आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें फेयर नहीं हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिल रहा है। और कुछ एरीज के लिए लिटरली हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट पे पॉलिटिक्स चल रही है। अगेन देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ एरीज बोला है, सबकी बात नहीं करी है,
तो उनके लिए ये भी हो सकता है जिसकी वजह से आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, और ओवरऑल के लिए मैंने बताया एरीज, आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको इस जॉब से नहीं मिल रहा है जो आप कर रहे हैं और आप चेंज करना चाह रहे हैं। और अब सेवेंथ हाउस को देखेंगे, तो सेवेंथ हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एट ऑफ सोर्ड्स एंड ऑर्डिनरीनेस। और आई नो बहुत सारे लोग एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखकर थोड़ा सा डर गए होंगे, प्लीज़ आप डरे ना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्ड्स गाइडेंस के लिए होते हैं, तो इस रीडिंग को हमने सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कैसे हम चीज़ों को बेटर कर पाएँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो इस एरिया से, सॉरी, इस हाउस से रिलेशनशिप्स आते हैं, पार्टनरशिप्स आती हैं, और कहीं मैरिज स्पाउस आता है। तो मैरिज एरीज 2023 में नहीं दिख रही है मुझे, इनफैक्ट मैरिज से रिलेटेड एक कंफ्यूजन रहती हुई दिख रही है, या फिर से मैं कहूँगी मैरिज पार्टनरशिप रिलेशनशिप्स ओवरऑल से रिलेटेड कहीं एक कंफ्यूजन रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले आ रहे हैं। और ज़्यादा देखिए मैं कहूंगी कि मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मैरिज नहीं दिख रही है और मैरिज से रिलेटेड एक कंफ्यूजन रहती हुई दिख रही है। तो यहां पर मैं यही कहूंगी कि किसी चीज को लेकर आप थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, थोड़ी सी एक लिमिटेशन, थोड़ी सी एक रिस्ट्रिक्शंस महसूस कर रहे हैं। ये लिमिटेशंस, ये रिस्ट्रिक्शंस सबके लिए डिफर कर सकती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स एरीज मुझे लगता है कि जो भी लिमिटेशंस, जो भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो इंटरनली यानी कि हमारे माइंड में ज़्यादा होती हैं, एक्सटर्नली इतनी नहीं होती हैं। तो इनको अगर आप ओवरकम करते हैं थोड़ा सा पॉज करके, मैरिज से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड क्या आपकी सेल्फ टॉक चल रही है उसको चेक करके करेक्ट करते हैं, तो आप इस एरिया को बेटर कर पाएंगे। और यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस का कार्ड कहता है चीज़ें ऑर्डिनरी रह रही हैं, या फिर मैं कहूँगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप चाह रहे हैं इस एरिया से रिलेटेड, तो वो चीज़ें नहीं रहती हुई दिख रही हैं। और ये ओशो का कार्ड है, ओशो इस कार्ड के लिए मैसेज देते हैं कि अगर हम ऑर्डिनरी चीज़ों को अच्छे से इंजॉय करें, बहुत अच्छे से फोकस करें, तो हम अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगे, क्योंकि लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं होता है। यही ऑर्डिनरी चीज़ों को जब पूरी तरीके से जिया जाता है तो ज़िंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रख सकते हैं, इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस एरिया से रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी कुछ कन्फ्यूजन रह रही है, एक हेल्पलेस एनर्जीज रह रही हैं जिनको आप सेल्फ टॉक करके बेटर कर सकते हैं, या फिर आप किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट से या कोई भी इंसान आपकी लाइफ में है जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और जितना आप चीजों को लेकर एक क्लैरिटी रखेंगे उतना आप इस लाइफ के एरिया को बेटर करेंगे, क्योंकि अगेन आई डोंट नो आप इस कार्ड को कितना देख पा रहे हैं, इस फिगर की आंखों में पट्टी बंधी है, दैट मींस कि बहुत सारी चीज़ें देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं और कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि आप बंध गए हैं, आप जकड़ गए हैं। ये अगेन हमारी सोच ज़्यादा होती है, हमारी सोच हमें बांधती है, एक्सटर्नली इतने कोई बंधन, इतनी कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं, तो इनको ओवरकम करने की जरूरत है। और अब देखते हैं एरीज की एट्थ हाउस में क्या हो रहा है। तो देखिए एट्थ हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं टू ऑफ कप्स एंड पॉसिबिलिटीज। तो देखिए एंडिंग बिगनिंग कहीं रिलेशनशिप से रिलेटेड होती हुई दिख रही है, और फर्स्ट हाउस में हमने आउटसाइडर का कार्ड देखा था, और यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि कुछ दरवाजे आप बंद कर रहे हैं। तो बहुत सारे एरियाज के लिए हो सकता है, अगेन मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, या फिजिकल लेवल पे, या किसी भी लेवल पे कोई रिलेशनशिप हो सकता है आप एंड कर रहे हैं और नया रिलेशनशिप शुरू हो रहा है। तो फिर से मैं कहूँगी कि किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड एंडिंग बिगनिंग रहती हुई दिख रही है, और इसी से ही रिलेटेड आप और पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं, आप अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, आप एक और ज्यादा जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, उन पे फोकस करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड भी डेथ का कार्ड आया था, हालांकि टेंथ हाउस में मैं आपको बताऊंगी, तो उससे रिलेटेड भी एक एंडिंग बिगनिंग 2023 में रह सकती है।
नाइन्थ हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं फोर ऑफ कप्स एंड मोरालिटी, और इस घर से आता है लॉन्ग ट्रैवल, धर्म, कर्म, स्पिरिचुअलिटी, कर्म तो नहीं, धर्म और स्पिरिचुअलिटी आता है, हायर एजुकेशन आती है। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि लॉन्ग ट्रैवल 2023 में आप कार्ड्स के हिसाब से नहीं करते हुए दिख रहे हैं, या उससे रिलेटेड किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एक डिससेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसको नहीं अवेल कर पा रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो काश आप उस अपॉर्चुनिटी को ले लेते। और हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी सेम सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, धर्म और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि अगेन एक डिससेटिस्फेक्शन रह रही है। कोई अपॉर्चुनिटी आपको पीछे मिली या 2023 में अगर आपको मिल रही है, आप उसको मिस कर रहे हैं, और उसकी वजह से कहीं आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एरीज, अगर आप पहले से ही इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप इस चीज को भी चेक करके किसी हद तक बेटर कर सकते हैं, यानी कि अगेन कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको हायर एजुकेशन से रिलेटेड मिलती है, लॉन्ग ट्रैवल से रिलेटेड मिलती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड मिलती है, स्पेशली अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो देखिए आप उस अपॉर्चुनिटी को ना मिस करें, क्योंकि आप बाद में रिग्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं सबके लिए जिसकी वजह से आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, लेकिन मोरालिटी का कार्ड कहता है कि आप बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा माइंड से इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि लॉन्ग ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी एंड हायर एजुकेशन, जिसकी वजह से आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, अगेन देखिए हार्ट और माइंड का बैलेंस आप रखें, और इसी से रिलेटेड थोड़ी सी मायूसी, थोड़ा सा फिर से मैं कहूँगी इमोशनली आप लो फील कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इस रीडिंग से गाइडेंस लेके इस चीज़ को बेटर भी कर सकते हैं। फिर से कहूँगी जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड इस रीडिंग को देख रहे हैं या फिर चाह रहे हैं, उनका फोकस है, आपको एक डिससेटिस्फेक्शन रह सकती है, जो एक लेवल आप अपने लिए चाह रहे हैं वो कहीं आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं, या आपको ऐसे लग रहा है कि वो लेवल आपने नहीं अचीव किया। 10th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं डेथ एंड सेलिब्रेशन। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, डेथ सिर्फ एंडिंग बिगनिंग की बात करता है, तो प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग 2023 में हो रही है। ये एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफर करेगी, कुछ के लिए हो सकता है जैसे कि हमने देखा 6th हाउस में कि एक डिससेटिस्फेक्शन, एक अनफेयर, एक इनजस्टिस वाली एनर्जीज जो भी लोग जॉब करते हैं उससे रिलेटेड महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है, या फिर मैं कहूंगी कि यू नो ऐसा होगा कि 2023 में आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसको एंड करके नई जॉब करेंगे, या फिर जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो कहीं करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए डीपर लेवल के लिए सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो कहीं ये एंडिंग बिगनिंग आपके लिए एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेलिब्रेशन, एक मजा मस्ती लाते हुए दिख रही है, यानी कि आप नए लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, नए आपके दोस्त बन रहे हैं, नए आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं, या फिर देखिए आप इस एंडिंग बिगनिंग को लाने के लिए बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, आप ज्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं, जो भी लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो हो सकता है किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या अगर आप पार्टनरशिप में नहीं भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो भी काफी एक हैप्पीनेस, जॉय, मज़ा मस्ती, फन, ये एंडिंग बिगनिंग आपके प्रोफेशनल फ्रंट में लाती हुई दिख रही है। और कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि यू नो जो भी आपका काम करने का तरीका है उसको आप एंड करके नए काम करने के तरीके से यू नो अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप काम कर रहे हैं, कुछ के लिए आपकी सोच हो सकती है, कुछ के लिए जगह हो सकती है प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड एंड हो रही है। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ ऑफिस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ लोकेशन स्पेशली आपके वर्क फ्रंट से रिलेटेड होती हुई दिख रही है, यानी कि ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए जो भी चीजें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैंने आपको कहा ब्रॉडली स्पीकिंग 10th हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन आता है, और प्रोफेशन से रिलेटेड किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग रहती हुई दिख रही है, जो कि एक हैप्पीनेस, जॉय, सेलिब्रेशन, फन आपके लिए लाती हुई दिख रही है। 11th हाउस के लिए आप लोगों के लिए एरीज कार्ड्स हैं सप्रेशन एंड सन।
सन अगेन इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड. ये ओवरऑल एक हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है. और 11th हाउस से जैसे कि मैंने आपको बताया गेन यानी कि लाभ होता है, इसको हम लाभ स्थान कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में. फ्रेंड्स का घर होता है, सोशल सर्कल का घर होता है, तो आप सोशलाइज करते हुए दिख रहे हैं, आपके नए कनेक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं, नए फ्रेंड्स बनते हुए दिख रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त एक क्लैरिटी रहती हुई दिख रही है, हैप्पीनेस जॉय रहती हुई दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ दिख रहा है. और कहीं देखिए जैसे कि आपको अभी बताया ये लाभ स्थान होता है, गेन हाउस होता है, तो जो भी चीज पे आप एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपको गेन होता हुआ दिख रहा है, आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है. अगेन देखिए हमें ओवरऑल अगर आपके कार्ड्स देखूं तो कहीं मनी पैसा फाइनेंसेस से रिलेटेड एक गेन 2023 में आपके लिए ज्यादा रहता हुआ दिख रहा है. और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी एक दुविधा इन्हीं एरिया से रिलेटेड थी, यानी कि फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, लाभ, वो कहीं दुविधा आपकी क्लियर होती हुई दिख रही है, वो कहीं कंफ्यूजन आपकी क्लियर होती हुई दिख रही है. किसी स्पेसिफिक फ्रेंड के साथ भी अगर कोई मसला था, कोई इशू था, वो भी रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उनके साथ वेकेशन प्लान कर रहे हैं, आप उनके साथ ज़्यादा घूम रहे हैं, ज़्यादा फन मज़ा मस्ती अगेन कर रहे हैं. ये फन मज़ा मस्ती सबके लिए डिफर कर सकती है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं जिससे आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हैं, या फिर ओवरऑल अगेन आप ज्यादा सोशलाइज करते हुए दिख रहे हैं. लेकिन साथ ही साथ देखिए यहाँ पे सप्रेशन का कार्ड कहता है कि एक बर्डन भी रह रहा है, यानी कि फिर से मैं कहूँगी हैप्पीनेस है, जॉय है, लेकिन आप किसी चीज़ का ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, या फिर आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड लेते हुए दिख रहे हैं. यहाँ पे देखिए ये प्रेशर, ये बर्डन फ्रेंड्स या सोशल सर्कल से रिलेटेड है, तो ये अगर आप पाएं एरीज तो इसको ज़रूर आप चेक करें. फिर से मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप इसी एरिया से रिलेटेड ना लें, या फिर अगर आप ओवर कर रहे हैं इस चीज़ को तो उसको भी ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें. और देखिए गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है, लेकिन अगर आप और चाह रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि जितना हो रहा है वो कम हो रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें. क्योंकि देखिए सन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स इन टैरो, और सन का कार्ड 11th हाउस के लिए आना का मतलब 11th हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही हैं वो बहुत बहुत बढ़िया रह रही हैं. उसी से रिलेटेड अगेन सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस सब कुछ रह रहा है. लेकिन फिर भी अगर आप एक प्रेशर, आप एक बर्डन महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं जिनको चेक करके करेक्ट करने की जरूरत है. थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपना प्रेशर कम करने की जरूरत है. 12th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द लवर्स एंड द सोर्स. लवर्स एंड सोर्स भी बहुत पॉजिटिव, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स होते हैं टैरो में. लवर्स कहीं देखिए पार्टनरशिप्स की बात करता है, रिलेशनशिप्स की बात करता है, तो हो सकता है कि इन चीज़ों पे आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड एक फियर, एक इनसिक्योरिटी रह रही है. एंड देखिए हमने 7th हाउस में 8 ऑफ सोर्स के कार्ड में भी एक कन्फ्यूजन देखी थी, एक बंधा हुआ वाली फीलिंग देखी थी, तो हो सकता है कि इसी से रिलेटेड एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं. और पार्टनरशिप से रिलेटेड भी अगेन ऐसी ही एनर्जीज रह रही हैं जहाँ पे एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी है. और द सोर्स का कार्ड कह रहा है कि अगर आप थोड़ा सा भी पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करेंगे, क्या रूट कॉज है इन्हीं चीज़ों का, उन पे फोकस करेंगे तो आप इन्हीं चीज़ों को ओवरकम कर पाएंगे. और कहीं देखिए जो हमारे अंदर एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पावर है, उससे आप कनेक्ट करेंगे तो इन फियर्स, इन इनसिक्योरिटीज को भी आप ओवरकम कर पाएंगे. तो यहाँ पे देखिए 12th हाउस के लिए कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, क्योंकि ये कार्ड होता ही फियर्स और सबकॉन्शियस इनसिक्योरिटीज का है, तो इन चीज़ों से रिलेटेड रह सकती है. और अगेन एरीज, आप पहले से ही इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप जान गए हैं कि ये जो फियर है इसको आपने ओवरकम करना है. और देखिए मैंने बहुत बारी आप लोगों को रीडिंग्स में बोला भी है कि 85 to 90% जो भी हमारे फियर्स होते हैं वो बेबुनियाद होते हैं.
होते हैं, उनका कोई बेस नहीं होता है, उनका कोई तत्व नहीं होता है। और अगर हम थोड़ा सा पॉज करके अपनी सेल्फ टॉक की चेकिंग कर लें, इन फियर्स को डील करें सामने से, तो बहुत आसानी से हम इन फियर्स को भी ओवरकम कर पाते हैं। तो इसका ज़रूर आप ख्याल रखें कि जो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड फियर्स होते हैं उनको आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। और देखिए, इनफैक्ट एरीज, एक चीज़ जो आपके रिलेशनशिप को एकदम से ख़राब करती है, जो बिल्कुल स्पॉइल कर देती है, वो है फियर ऑफ लूजिंग द अदर पर्सन। तो इस तरीके का जो भी फियर अगर आपके मन में रह रहा है या किसी भी रिलेशनशिप से रिलेटेड रह रहा है, उसको आप ज़रूर ओवरकम करें और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें और जो भी उसका रूट कॉज है उसको जानें और उसको आप पॉजिटिवली अगेन डील करें। तो ये हो गए आपके हाउसेस। ब्रॉडर लेवल पे अगर मैं देखूं ओवरऑल एक पिक्चर, तो देखिए वेल्थ, फाइनेंसेस, मनी, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड आपके लिए 2023 बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी खरीदते हुए दिख रहे हैं, जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं गाड़ी भी खरीदते हुए दिख रहे हैं, सिबलिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, फ्रेंड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, और इन एरियाज में एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है। लव रिलेशनशिप्स भी मॉडरेट रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इस एरिया से रिलेटेड खास आपका फोकस है कि आप एक बैलेंस रखें। प्लेजर्स भी कहीं आप बैलेंस तरीके से करते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप्स और जो भी सबकॉन्शियस लेवल के फियर्स हैं उन पे वर्क करने की जरूरत है। और प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एंडिंग, बिगनिंग रहती हुई दिख रही है। और अब देखते हैं एरीज की आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है जिसको आप फॉलो करके चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं। तो देखिए पहली आपके लिए गाइडेंस है रेजोल्यूटनेस, और ये कार्ड कहता है डिटर्मिनेशन, नो कॉम्प्रोमाइजेस, अनवेवरिंग फोकस, इनर रिजॉल्व, अ टेस्ट ऑफ कैरेक्टर, सेल्फ एग्जामिनेशन। तो जो मैंने अभी आपको बोला कि सेल्फ टॉक का आपने बहुत ख्याल रखना है और जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त एक विल पावर रखें, बहुत ज़बरदस्त एक डिटर्मिनेशन रखें। छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, आपने घबराना नहीं है, जितना कॉन्फिडेंटली आप चीज़ों को डील करेंगे उतना चीज़ें बेटर रहेंगी। और इसी हिसाब से देखिए अगर हम ऑब्स्टिकल्स के भी कार्ड्स को देखें, तो एरीज कोई भी इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं है जिसकी लाइफ में कोई इशू, कोई मसला ना हो, चाहे फिर वो दुनिया का सबसे रईस इंसान हो, दुनिया का सबसे एनलाइटेड इंसान हो या फिर सबसे फेमस इंसान हो, सबकी लाइफ में इश्यूज और मसले आते हैं। लेकिन इन इश्यूज मसलों को हम कैसे डील करते हैं वही डिटरमिन करता है कि ये कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी इशू आए तो आपने अगेन घबराना नहीं है। अरे यहाँ पे देखिए रेजोल्यूटनेस का कार्ड भी कहीं विल पावर, डिटर्मिनेशन की बात करता है। तो ये दोनों ही कार्ड्स एक तरीके से कनेक्टेड हैं। जितना आप स्ट्रांग होते हैं उतने ही जो ज़िंदगी के मसले होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, जितना आप वीक होते हैं उतने ही ज़िंदगी के मसले बहुत बड़े हो जाते हैं। एक्चुअली इन मसलों का, इन प्रॉब्लम्स का कोई साइज़ नहीं होता है, साइज़ डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ या फिर आप वीक हैं। तो इस चीज का ख्याल रखें। इनर ट्रुथ का कार्ड कहता है द विजडम ऑफ द हार्ट, इनसाइट, प्योरिटी, इंट्यूटिव नोइंग, कॉन्शियसनेस। तो देखिए सच जो भी हो उसको के लिए एक एक्सेप्टेंस रखें। कितनी बारी एक्सटर्नली कुछ चीज़ें हो रही होती हैं और हमें लगता है कि अगर हमने इनको डील किया तो हम हर्ट हो जाएंगे, या फिर इसी वजह से ना कहीं हम रियालिटी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, एट टाइम्स अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो जो भी चीज़ों को आप डील करें, आप एक एक्सेप्टेंस के साथ डील करें, रियलिटी को जानते हुए ही चीज़ों को करें। जो भी रियलिटी है उनको आप ना इग्नोर करें। ये ओवरऑल के लिए एक आपके लिए गाइडेंस है। एंड अब देखते हैं फोकस एरियाज क्या रहेंगे।
तो देखिए यहाँ पे वैक्सिंग क्रिसेंट मून है और ये कहता है इनिशिएटिव प्लानिंग गोल्स, इट्स अ गुड टाइम टू वर्क ऑन थिंग्स लाइक योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंपैशन एंड सेल्फ एश्योरेंस, बिल्ड योर सेल्फ अप एंड रियली पुट प्लान्स इनटू प्लेस टू रीच योर गोल्स। तो देखिए जो भी आप चाह रहे हैं, अगेन ये कार्ड भी कहता है कि उसी से रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लें। और देखिए ये भी मैंने आप लोगों से बहुत बारी कहा है, विजन क्रिएट करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब तक हम एक्शन नहीं लेते हैं तब तक उस विजन का कोई मायने नहीं होता है। तो इसका ख्याल रखें, प्लान करें, गोल्स बनाएं, एक्शन भी लें। और देखिए ये कार्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करता है, सेल्फ एश्योरेंस की बात करता है। और यहाँ पे फर्स्ट हाउस में हमने नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में देखा कि यही आपका फोकस एरिया रह रहा है। तो ये कार्ड्स कहीं देखिए बहुत अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कहीं सेम चीज़ कह रहे हैं। तो फोकस एरिया कौन सा रहेगा उसके लिए कार्ड्स अगेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंपैशन, सेल्फ एश्योरेंस की बात कर रहे हैं और उस पर आप वर्क कर रहे हैं और वो कहीं 2023 में आता हुआ भी दिख रहा है। रूट पावर का कार्ड यहाँ पे पाइसिस की बात करता है। योर रूट पावर डिराइव्स फ्रॉम योर कैपेसिटी टू इम्प्रूव लाइफ एंड जनरेट चेंज वाया इमेजिनेशन, मिस्टिसिज्म एंड कंपैशन। तो देखिए फिर से ये कार्ड कंपैशन की बात करता है। यू कैन कल्टिवेट सक्सेस विद योर सेंसिटिविटी टू द इमोशनल स्टेट्स ऑफ अदर्स, ड्रीम्स एंड फैंटेसी ऑफन सर्व एज द टूल्स बाय विच यू मैनिफेस्ट योर प्रेफर्ड लाइफ। तो देखिए अगेन वैक्सिंग मून का कार्ड इनिशिएटिव्स की बात कर रहा था, प्लान्स और गोल्स के लिए एक्शन लेने की बात कर रहा था और ये विजन बनाने की बात करता है। तो विजन आप बनाते हुए दिख रहे हैं और ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं और उनके लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं और इसीलिए आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने यू नो मनी वेल्थ टैंजेबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड सक्सेस भी अचीव करते हुए दिख रहे हैं। एंड स्कॉर्पियो का कार्ड डेथ की बात करता है, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीमेसी, द एट्थ हाउस सिंबलाइजेज इश्यूज ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, सेक्सुअलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए मैंने आपको कहा कि एक यू नो प्रोफेशनल फ्रंट में भी डेथ का कार्ड है, तो इसी से रिलेटेड एक एंडिंग बिगनिंग 2023 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। और अब आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स एंड सिग्निफिकेंट मंथ्स देख लेते हैं। तो ब्लेसिंग्स के लिए आप लोगों के लिए फिशिंग पोल का कार्ड है। ये कार्ड कहता है सेल्फ रिलायंस, एक्सटेंड वन सेल्फ, मेंटरिंग अदर्स, एक्सप्लोरेशन, एकम्प्लिशमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट केपेबल। तो देखिए अगर आप किसी भी चीज़ के लिए किसी के भी ऊपर डिपेंड कर रहे थे पीछे, वो ये भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए यू नो इमोशंस हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, कुछ के लिए मनी हो सकता है, कुछ के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आप डिपेंड कर रहे थे तो कहीं 2023 में आपकी ये डिपेंडेंसी कम होती हुई या ख़त्म होती हुई दिख रही है। आप सेल्फ रिलायंट होते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, जो कि अगेन हमने फर्स्ट हाउस में भी देखा। आप नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों को काउंसिल कर रहे हैं या फिर आप लोगों से एक एडवाइस लेते हुए दिख रहे हैं। एंड यज का कार्ड कहीं एडवेंचर की बात करता है, एफ्लुएंस की बात करता है, लग्जरी, मोबिलिटी, ट्रैवल की बात करता है, ग्रेट ईज, स्मूथ सेलिंग की बात करता है, सेल्फ इंडल्जेंट की बात करता है, प्रॉस्पैरिटी, कंफर्ट, वेल्थ, ओवर द टॉप एक्स्ट्रावेजेंट की बात करता है। तो देखिए इन्हीं चीज़ों पे खर्चा हो रहा है, हालांकि देखिए लॉन्ग ट्रैवल आप लोगों के लिए नहीं रहती हुई दिख रही है और मैंने आपको कहा था कि कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हैं, तो इसका तो खैर आप ख्याल रखेंगे अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं। अदरवाइज देखिए हो सकता है आपके आसपास जो जगहें हैं वहाँ आप यू नो विजिट कर रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं या यू नो जिस जगह पे आप रहते हैं उसी से रिलेटेड एक एडवेंचर, एक फन, एक मज़ा मस्ती 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है। और देखिए लग्जरी एक लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर रहे हैं, उस पर आप खर्चा कर रहे हैं, ट्रैवल अगेन देखिए आसपास की जगहों में आप कर रहे हैं, ग्रेट ईज, चीज़ें आपके लिए आसान 2023 कर रहा है, अगेन प्रॉस्पैरिटी, कंफर्ट, वेल्थ से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही हैं या फिर ये एक ब्लेसिंग्स आपके लिए 2023 लेकर आ रहा है। और देखिए ओवरऑल रीडिंग में भी हमने देखा कि कहीं इस एरिया से रिलेटेड 2023 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है।
एंड मदर लोड का कार्ड अगेन देखिए प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, जैकपॉट की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, गुड फॉर्चून, हैविंग प्लेंटी, मनी मेकर, सडन वेल्थ, रियल डील, ऑन ईजी स्ट्रीट, अकम्प्लिशमेंट, एडवांटेज, फॉर्चून, द प्राइम सोर्स। तो देखिए ये कार्ड्स भी कहीं यही कह रहे हैं कि जो एक ब्लेसिंग 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है वो वेल्थ, फाइनेंसेस, मनी, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा रह रही हैं। पीछे जो भी इशू थे, जो भी मुश्किलें थीं आपकी लाइफ में, अगर वो ईज़ होती हुई दिख रही हैं, एक कंफर्ट लग्जरी 2023 में रहता हुआ दिख रहा है। और अब सिग्निफिकेंट मंथ्स देख लेते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट मंथ्स आप लोगों के लिए हैं जनवरी, अक्टूबर एंड अगस्त। तो ये आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट मंथ्स रहेंगे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए 2023 की रीडिंग। एंड नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।